मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा कोई देश में किसान होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करता होगा। भारत के झंडे लेकर दूसरों से छीन कर उनको नालों में फेंक रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछली बार पंजाब से बच के निकल गए, इस बार आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर मैंने कह दिया कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, आपने आओ देखा ना, ताओ आप सिर्फ कूद पड़े। कौन सा ऐसा फार्मर है देश का जो दिल्ली पे कब्जा करना चाहता है? किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है और पिछली बार की तरह इस बार भी ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज का गढ़ बनता जा रहा है। सामने आ रहे बयानों और एक्टिविटीज को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि इस पूरे आंदोलन को खालिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माई कॉलीग अभिषेक पांडे। अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू पारस। तो क्या लगता है अभिषेक, इस बार भी पिछली बार की तरह पूरा किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है, खालिस्तानी आ गए? पारस, मुझे लगता है ये इस बार ये किसान आंदोलन हाईजैक नहीं हुआ है, कि किसान आंदोलन पहले से ही दूसरों का। जब मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ एंटी इंडिया एलिमेंट्स। क्यों कहता हूँ, मेरे पास तीन वजह है। पहला, आपने विजुअल देखे होंगे किस तरीके से कुछ सो कॉल्ड फार्मर्स जो हैं वो झंडे लेकर, भारत के झंडे लेकर दूसरों से छीन कर उनको नालों में फेंक रहे हैं। बिल्कुल, आपने वो विजुअल देखे होंगे, बहुत फ्लोट हो रहा है। कई विजुअल्स मैंने ये भी देखे हैं, कई बाइट्स मैंने देखी इन सो कॉल्ड फार्मर्स की, जिसमें वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जिसमें वो इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछली बार पंजाब से बच के निकल गए, इस बार आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैं यही सब चीज़ों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बार ये आंदोलन है ही नहीं किसानों का। मुझे कोई ऐसा देश का किसान नहीं पता है, या मैं जानता नहीं हूँ जिनको, मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा कोई देश में किसान होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करता होगा। बिल्कुल, आप बिना किसी वजह से आप वॉयलेंस कर रहे हो। आपने कल मतलब कुछ अपने जो विजुअल देखे कल के, वहाँ पर कितने बुरी तरीके से वो लोग वैंडलिज्म कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो नए ट्रैक्टर्स आप मॉडिफाई करके लेकर आए, वो सिर्फ इस वजह से मॉडिफाई किए गए हैं कि जो बैरिकेड्स होते हैं और ये सब चीज़ें उनको तोड़ा जा सके आसानी से और वो अंदर घुसा जा सके। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट में हैं। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें प्रोटेस्ट करना, विरोध करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस प्रोटेस्ट को क्लीन रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये क्लीन रखना उनकी जिम्मेदारी है जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं एक आंदोलन कर रहा हूँ, मैं सड़कों पर उतरा हूँ, तो मेरे नाम पर, मेरे कॉज के नाम पर कोई एंटी इंडिया एलिमेंट उससे जुड़ जाए और भारत को गाली दे, भारत सरकार को गाली दे और एंटी इंडिया एक्टिविटीज करे, देश को तोड़ने की बात करे, नया देश बनाने की मांग करे, तो ये गलती किसकी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से गलती दो लोगों की होगी। एक तो जो ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, और ऑर्गेनाइज सिर्फ नाम के लिए कराते हैं, उसके बाद इनको खुद को पता नहीं होता कि कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दूसरे, वो लोग जो इनको अंधा, मतलब मैं तो कहूँगा बिना किसी चीज़ों के, बिना जाने तथ्य को कि क्या एग्जैक्टली है, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि फार्मर्स का नाम आ चुका है। आजकल ये नया ट्रेंड हो चुका है पारस, कि अगर मैंने कह दिया कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, आपने आओ देखा ना, ताओ आप सिर्फ कूद पड़े हैं कि नहीं नहीं फार्मर्स सिंपैथी के नाम पे। बिल्कुल, जस्ट लाइक रिहाना, कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो फार्मर्स तो गलत हो ही नहीं सकते भाई साहब, फिर तो ये चल ही रहे हैं, ये बढ़िया, ये सबसे सही है। विदेशी लोग जो ना भारत को जानते हैं, ना भारत की मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, वो हमें आके ज्ञान देने लगे पिछली बार कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है और इसको सपोर्ट करना जरूरी है और ये भारत सरकार की गलती है। बिल्कुल, और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये क्या जानते हैं भारत के किसान? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है, इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं अगले 1-1.5 महीने में, वो नहीं पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना टूल किट चलाते हैं जो लोग, वो उसमें कूद जाते हैं। हमने पिछली बार भी देखा, रियाना, मियां खलीफा जैसे लोग जो हैं वो आगे आ गए कि हाँ फार्मर्स तो बहुत सही हैं, सारी गलती जो है सरकार की है। पिछली बार का मुझे याद है कि पिछली बार भी किसान आंदोलन का जो फर्स्ट सीजन था, उसमें भी कई सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स उसमें शामिल थे, हत्या की घटनाएं हुई, रेप्स की घटनाएं हुई, उसके अलावा नारेबाजी हुई, तब भी खालिस्तान बनाने की मांग उठी। सेम वही चीज़ इस बार भी है। इस बार तो पारस, अगर आपने गौर किया होगा कि हाल ही में जो खालिस्तानी टेररिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने एक वीडियो जारी किया, उसने उस वीडियो में कहा कि जितने भी खालिस्तानी लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें, फार्मर्स के भेष में जाएं, प्रोटेस्ट में शामिल हों और दिल्ली पे कब्जा करें। कौन सा ऐसा फार्मर है देश का जो दिल्ली पे कब्जा करना चाहता है? पिछली बार के नज़ारे हम सबको याद है, हमने देखा लाल किले पे चढ़ाई कर दी गई, बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस को उस नहर में धक्का दिया गया,
उसके बाद लाल किले की प्राचीर पे चढ़कर भारत का तिरंगा उतार कर खालिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश को फहरा भी दिया। तो मैं यही सब रीजन की वजह से मैं कहता हूँ कि ये फार्मर्स नहीं हो सकते हैं। मेरे देश के जो किसान है, मेरे देश के जो हार्ड वर्किंग फार्मर्स है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं देश के लिए, देश उनका ऋणी है, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे कि देश का सर झुक जाए, देश का अपमान हो, देश के तिरंगे का अपमान हो। मेरे देश के फार्मर ऐसा कर नहीं सकते हैं, और जिस देश के फार्मर ऐसा कर नहीं सकते हैं, और उसी किसान के नाम पर ये गंदगी मची हुई है बिल्कुल की बॉर्डर्स पर। मुझे तो लगता है कि अब ये किसानों के लिए बहुत बड़ा हाई टाइम है कि किसानों को अब खुद को बताना पड़ेगा कि भैया हम इनसे अलग हैं, हम ये लोग हैं ही नहीं, ये हमारे लोग हैं ही नहीं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है किसानों को खुल के सामने आना चाहिए कि भैया ये मेरे लोग नहीं है। सरकार का क्या रुख हो सकता है, मोदी सरकार क्या करे? दूसरी बार तो मुझे ऐसा लगता है कि दे वर इन द वेट एंड वॉच सिचुएशन, क्योंकि शायद सरकार ये जानती थी कि देर सवेर ये खुद ही अपना चेहरा उजागर कर देंगे। एग्जैक्टली वही हुआ, जब लाल किले वाली घटना हुई तो पूरे देश ने देख लिया कि कौन है ये। लेकिन बार भी शायद वही स्ट्रेटजी है। नहीं फरस, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी अपनानी नहीं चाहिए। आप अपनी देश की संपत्ति को नुकसान होते हुए कैसे देख सकते हैं? ये हमारे टैक्स, हम जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं, ये हमारा पैसा है। मुझे बार बार इसी चीज़ के लिए टैक्स नहीं देना है, मैं इसी चीज़ के लिए टैक्स नहीं देता हूँ कि यार वो लाल किले का कोई हिस्सा टूट गया उसको फिर से बनवाना है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं चला दी, हाँ, तो मुझे चाहिए कि मेरे टैक्स के जो पैसे हैं वो देश की डेवलपमेंट में लगे, कुछ नई सड़कें बने। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर रोड बन रहे, मेरे पैसे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टैक्स जैसे देता आ रहा हूँ, मैं देता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं टैक्स देने में। लेकिन मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से है कि मुझे इस ये जो घटनाएं होती हैं कि बसें जला दी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जला दी जा रही है, डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, वैंडलिज्म, मुझे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है कि मेरे टैक्स के पैसे मुझे उसमें नहीं डालने हैं। तो देश के किसानों को खुद तय करना है कि क्या उनके नाम पर खालिस्तान का एजेंडा पुश किया जा सकता है, क्या एंटी इंडिया एजेंडा चलाया जा सकता है, और क्या वक्त नहीं आ गया है कि ऐसे फेक किसानों को, सो कॉल्ड किसानों को उजागर किया जाए, देश के सामने इनकी सच्चाई लाई जाए। मैं हूं पारस कोठारी। मैं हूं अभिषेक पांडे, और आप देख रहे हैं न्यूज़।